जब हम छोटे थे तो अक्सर मंदिर में लगी घंटी को बजाने के लिए जिद करते थे और फिर हमारे पापा हमें झट से गोदी में उठा लेते थे और हमसे घंटी बजवाते थे लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई क्यों जाती है तो आइए घंटी बजाकर जानते हैं इसके पीछे छुपा वैज्ञानिक और धार्मिक कारण माना जाता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मौजूद देवता की अनुमति लेने या उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए घंटे बजाई जाती है ये भी माना जाता है कि मंदिर में कई बार भगवान सो जाते हैं ऐसे में पहले घंटी बजाकर उन्हें जगाया जाता है फिर उनकी पूजा की जाती है देवी देवताओं को घंटा शंख आदि की आवाज़ काफ़ी पसंद होती है इसलिए आरती के समय तरह तरह के घंटे बजाए जाते हैं जिससे भगवान खुश होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं वैज्ञानिकों ने भी घंटी बजाने के पीछे बहुत से तथ्य बताए हैं उनके अनुसार जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल के कारण काफ़ी दूर तक जाता है जिससे जीवाणु विषाणु और सूक्ष्म जीव सब नष्ट हो जाते हैं जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है इसीलिए जिन जगहों पर घंटी की आवाज़ नियमित आती रहती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है यही एक वजह है कि लोग अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर विंड चाइम्स लगवाते हैं बाय बाय दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में